माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आर वी शाइनिंग लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। एंड लुक एट द टाइम, 5:01, 13 आवर्स। एंड चलिए आज आप लोगों को बाहर दिखाते हैं। एंड नाउ आज हम नहीं बोलेंगे फॉगी है एंड ऑल दैट, बिकॉज आज फॉगी है ही नहीं। या बट दिस इज क्लाउडी, आज क्लाउडी है। एंड इधर क्या हुआ था ना कि टेम्परेचर थोड़ी सी हैड इंक्रीज, थोड़ी सी कम्फर्टेबल हो गया था, बट टूडे थोड़ी सी है ठंड। एंड देखिए, नो सन, नथिंग, अच्छा लग रहा है। तो आज हम आप लोगों को आफ्टरनून में हेलो बोल रहे हैं, बिकॉज लेट मी क्लोज द डोर, बिकॉज आज आप लोगों के साथ हम एक मेकअप वीडियो शेयर करेंगे। आप लोगों की डिमांड में बहुत सारी मैसेजेस आए कि सॉरी आप एक मेकअप वीडियो बनाओ। तो आई ऑल्सो थॉट कि यस, बिकॉज नाउ खरमास खत्म हो गई है। खरमास मीन्स खरमास या मले मास या क्या कहते हैं ना, फ्रॉम 14th December to 14th January कुछ शुभ काम नहीं होता है। मे बी कुछ आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो एक महीने के लिए हॉल्ट हो जाता है। एंड 14 January के बाद एवरीबॉडी आर फ्री टू डू कोई भी शुभ काम करना हो या और इधर बैठ जाते हैं ना, ऐसे बैठ जाते हैं, क्लियर होगा। हाँ इधर बैठ जाते हैं, ऐसे क्लियर होगा, नहीं तो पीछे से रोशनी आ रहा था तो इट वॉजन क्लियर। खरमास खत्म हो गया, हम लोग तो खरमास बोलते हैं, झारखंड में खरमास बोलते हैं, बहुत जगह मले मास बोलते हैं, एंड अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ें मिल बोलते हैं। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एक मेकअप वीडियो, बहुत ही अच्छी मेकअप वीडियो है, आप लोग देखिएगा ज़रूर, जिसमें कि बिना फाउंडेशन के एकदम ग्लोई बनाएंगे, ग्लोई वाली मेकअप होगा। तो चलिए हम शूट करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, आप हम कुछ तैयारी किए हुए हैं, मेरी सारी सामान यहाँ है, ये टूल है, बस कैमरा स्टैंड ले आते हैं। एंड आई विल ट्राई माई हेयर, अभी आप लोग देखिए मेरी स्किन, अभी देखिए, एंड मेकअप के बाद आप लोगों को दिखाएंगे, एकदम लिस्ट प्रोडक्ट में दिखाएंगे। लेकिन ये व्लॉग अलग रहेगी, व्लॉग नहीं, ये वीडियो रहेगी, ये वीडियो बिल्कुल अलग रहेगी और ये हम पोस्ट करेंगे नेक्स्ट डे। आज जैसे आज आप लोग देख रही है ये वाली व्लॉग, नेक्स्ट डे हम ये करेंगे, क्योंकि एडिट वगैरह करने में टाइम लगता है। बहुत ही क्विक होगा, सिंपल वीडियो रहेगा, बहुत लंबा नहीं रहेगा, देखिएगा जरूर। बनिया मेकअप वगैरह करना तो बनता ही है, मेकअप वी शुड डू। एंड फिर लगता है कि इतने अभी बहुत जगह होता है कि यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, तो व्हाट हैपन्स कि इतना मेकअप करो तो स्किन में भी थोड़ा सा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा मेकअप करने से भी थोड़ी सी अनइजी लगता है। लेकिन आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे एक प्रोडक्ट से, एक मॉइस्चराइजर जो जनरल मॉइस्चराइजर रहता है, एंड विद ओनली वन प्रोडक्ट मेकअप वीडियो। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं ना। एंड नाउ आई एम रेडी, बाल वगैरह टाई कर लिए, क्योंकि हेयर टाई कर लेने से व्हाट हैपेंस कि फिर अच्छे से क्लियर दिखता है, ओपन ओपन हेयर में अच्छा नहीं लगता है। एंड या आई एम होल्डिंग कैमरा स्टैंड से, आई एम होल्डिंग, सारी चीजें आ गई हैं होपफुली। एंड आज क्लाउडी तो है, देयर इज नो सन, बट यू नो विंडो के पास बैठेंगे ना तो फिर क्लियर रहेगा। दो कलर की है, लेकिन इस हाथ से मुझे कुछ नहीं करना। आई वॉज थिंकिंग नेल पॉलिश हटा ले, बिकॉज दो कलर की है। तीन कलर की है, ये दूसरे कलर की है, दूसरे कलर के, दीज आर डिफरेंट कलर्स, तीन कलर की नेल पॉलिश के साथ क्या करना, लेकिन मुझे इस हाथ से कुछ नहीं करना, आई हैव टू डू एवरीथिंग फ्रॉम दिस हैंड। फाइनली मेरी मेकअप वीडियो बन गई है, एंड आप लोगों को खुद भी हम डिफरेंस दिखा रहे हैं, कैन यू सी द डिफरेंस, कितनी शाइनी हो गई है। किस चीज से बना है ये वीडियो आप लोग नेक्स्ट कल देखेगा, आज तो बस हम इतना ही किए हैं। और नाउ कैन यू सी द डिफरेंस, आप लोग बताइए मेरी स्किन में क्या डिफरेंस लग रहा है, आप लोग खुद ही बताइए मेरी स्किन में क्या डिफरेंस लग रहा है, आप लोग खुद देख के बता सकती हैं। बस लिपस्टिक हम यू नो लगाए हैं, एंड काजल, एंड दैट्स इट। एंड लुक एट द टाइम, बहुत शॉर्ट वीडियो है, बहुत लंबी वीडियो हम नहीं बनाए हैं, बिकॉज फिर बहुत टाइम लगता है ना मेकअप वीडियो, तो जितने फास्ट एंड क्विक करो उतना ही अच्छा होता है। क्वार्टर टू टू एंड टाइम फॉर लंच, तो चलिए लंच करते हैं। लेकिन लंच में वही छोले भटूरे हैं, तो छोले पहले हम दो दिन पहले शेयर किए थे ना कि हम छोले बनाए थे, लेकिन वो छोले थोड़ा सा रह गया है, तो हम थिंकिंग छोले भटूरे बना लें। लेकिन क्या है कि इतने मेकअप के करने के बाद किचन में जाना मुझे थोड़ा सा अनइजी लग रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लोग के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। बस भटूरे बना हुआ, दैट आई हैव टू हीट, एंड थोड़ी सी छोले छानना है, आटा की छोले बनाए हैं, या आटा की भटूरे बनाए, आटा की छोले नहीं होता, आटा की भटूरे बनाए, छोले की भटूरे, आटा की भटूरे बनाए हैं। तो चलिए, तो हम पहले क्या करते हैं, थोड़ी सी बाल बांध लेते हैं ना। एंड ओ माई गॉड, माई स्किन लुक सो गुड, मेरी नजर ही नहीं हट रही है, वो वीडियो देखिएगा जरूर कल आएगी।
इतने भटूरे बेल के रखे हैं एंड आज हम लोगों को ज्यादा ही स्प्लैशी लग रहे हैं ना, या बिकॉज बहुत अच्छी मेकअप वीडियो बनाए हैं। तो थोड़ी सी भटूरे छानते हैं एंड छोले को माइक्रो में रख दिए हैं, वो माइक्रो में गर्म होगा उसके बाद खाएंगे, उसके बाद विल हैव। एंड मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, इतना मेकअप करने के बाद ना मन अच्छा नहीं लगता ना कि किचन में काम करे, लगता है कि कहीं जाए वाए, कहीं बाहर जाए, कहीं घूमने जाए। लेकिन इतना मेकअप करने के बाद किचन में काम। हम लोग को कभी काम से, घर के काम से मिलेगा नहीं। नहीं, काम तो करना ही चाहिए, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बिल्कुल काम करना चाहिए, लेकिन इतना मेकअप करने के बाद काम। इसीलिए हम फायर से, मैं देखिए मेरी स्टोव यहाँ हम छान रहे हैं, थोड़ा ऐसे करते हैं, देखिए यहाँ, और हम इतने डिस्टेंस में खड़े हैं, आई एम लिटिल फार अवे फ्रॉम हीट, जो डायरेक्ट हीट चेहरे पे लगेगी ना, थोड़ी सी लिटिल फार है, नहीं तो क्या होगा कि हीट लगेगी तो। अच्छा, मेकअप भी तो फ्रेश रहना चाहिए ना। या बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, लेकिन हम होल डे ये मेकअप नहीं रखेंगे, नो। मुझे बहुत अनइजी लगा, थोड़ी देर रखते हैं, एक मेरी फ्रेंड आने वाली है, एक्चुअली उसे हम कॉल किए कि देखो हम इतना मेकअप किए और देखने के लिए, तो शी सेड कि शी विल बी कमिंग इन 10-15 मिनट्स, तो वो आएगी, उसे हम दिखाएंगे एंड देन उसके बाद वॉशअप कर लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इतना मेकअप करके घर में बैठना थोड़ा सा अनइजी लगता है, आई एम नॉट कम्फर्टेबल। तो फटाफट हम भटूरे छानते हैं एंड नाउ छोले भटूरे रेडी हो गई है, लेकिन इतने भटूरे हम नहीं खाएंगे, आई विल जस्ट हैव टू, ये फॉर दिस इज फॉर बोथ ऑफ अस, मी एंड माई सन, तो हम लोग ये शेयर करके खाएंगे। एंड दिस इज प्लेट, दो भटूरे है और ये, एंड थोड़ी सी भुजिया भी है, बिकॉज मुझे लगा कि छोले थोड़ी सी कम होगी तो भुजिया ले लिए हैं, एंड इसे हम टेबल में यहाँ रखते हैं एंड हम लोग हाफ शेयर करेंगे थोड़ी सी। एंड यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे अभी हम ब्यूटी स्पंज से पूरा ब्लेंडिंग वगैरह किए थे ना, तो दिस यहीं पे रखी है, इसे हम बाद में वॉश करेंगे, सबसे पहले तो हम लंच करते हैं एंड देन मतलब कि अब वॉश करने में भी क्या है ना कि अजीब सा लग रहा है, बिकॉज हम जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना, देर ऑल मेड इन यूएस, सब सारे यूएस के हैं, वहां से बहुत कॉस्मेटिक्स लाए थे, तो यहाँ बहुत यूज नहीं कर पाए थे बिकॉज फिर लॉकडाउन हो गया था ना, तो हैड टू स्टे होम एंड ऑल दैट, तो हम नहीं कर पाए थे, तो वो यूएस प्रोडक्ट्स अब यूज करते हैं, देन उसे हैव टू वॉश इट ऑफ, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। या लेकिन कोई बात नहीं, इतने देर तो रख नहीं सकते, मेकअप इज मेकअप, कुछ भी हो, कहीं भी प्रोडक्ट कहीं की भी हो, अपना स्किन अच्छा रहेगा ना, तो हर कंट्री की हर जगह की प्रोडक्ट्स अच्छे लगेंगे, है ना। एंड नाउ चाय टाइम, चाय बन चुकी है, बस रीहीट कर रहे हैं एंड यहाँ से छटी निकालते हैं, मोबाइल हाथ में पकड़े हुए हैं और बैकग्राउंड में एयर फ्रायर में चिकन नगेट्स बन रहा है ये इस एयर फ्रायर में, इसलिए थोड़ी सी साउंड आ रही है। नाउ इट इज डन, अब ऑफ हो गया है, मैं चाय ऑलमोस्ट, ओ माय गॉड इट्स बॉइलिंग, छानते हैं चाय। चाय बन गई है एंड यहाँ पे देखिए हम यहाँ सेंटर टेबल में ये स्टैंड लगा के रखे हैं, ये आप लोगों को दिख रहा होगा ना, दिस वन स्टैंड लगा के रखे हैं, अभी स्टैंड में लगा लेते हैं या और मेरी व्लॉगिंग वगैरह भी चलता रहता है, एक दो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, दैट आई जस्ट कीप ऑन वॉचिंग। या तो चिकन नगेट की रेसिपी आज नहीं शेयर की, क्योंकि कल के वीडियो में हम कर ही चुके थे, या एक दो यस्टरडेज के वीडियो में हम कर ही चुके थे, तो नहीं कर पाए। एंड आई टेल यू व्हाट, आज ये क्या हुआ कि एक्सक्यूज मी, तो क्या हुआ कि आज मेकअप की वीडियो बनाए हैं और क्या हुआ कि आई वेटेड फॉर माय फ्रेंड बट वो नहीं आई, उसके एंड में उसे कुछ काम हो गया था ना, वेटेड एंड देन ना मुझे ना आई थॉट कि क्या करे, इतने देर रख नहीं सकते थे, तो व्हाट आई डिड ना कि
आई थॉट कि अभी हमने ब्लॉग इवनिंग में भी आप लोग के साथ तो करेंगे, तो इंस्टेड ऑफ वॉशिंग माई फेस विथ फेस वॉश, सिंपल पानी से स्प्लैश करके यू नो ना पूरे हाइलाइटर हम हटा लिए, बिकॉज मुझे बहुत अनईजी लग रहा था. एंड आई हैव नॉट यूज एनी फेस वॉश और एनीथिंग, बस पानी से स्प्लैश करके एक लेयर पूरी हाइलाइटर की हट गई. एंड कैन यू सी स्टिल द स्किन शाइन सो मच. तो बस चलिए आज की वीडियो हम लोग मनी करेंगे. आई वॉन्ट हैव माई टी. और आई होप आप लोगों को आज की मेरी ब्लॉग पसंद आई है. यू नो मेकअप वीडियो बनाने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है, पहले ड्राइंग रूम में आई एम सारी तैयारी की, देन आई टुक टू अनदर रूम, इट इज़ अ वाइल, या इंडीड. तो चलिए बस आज की ब्लॉग यही एंड करते हैं. आई होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई. पसंद तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्दी अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, एंड या प्लीज़ डू सब्सक्राइब.